क्या कोई 5 साल का बच्चा भी तपस्या कर सकता है? क्या कोई 5 साल का बच्चा भी ध्यान कर सकता है? अगर कोई 5 साल का बच्चा ध्यान तपस्या दोनों कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते? जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी, जब हमने साइकोलॉजी में चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी थी, तो हमें पढ़ाया गया था, यानी कि जो हमने पढ़ा था कि जो बच्चे होते हैं, जो 5 साल के बच्चे होते हैं, तो वो तो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत ही कोमल हृदय के होते हैं। उनके सामने तो हमें ऐसी बातें करनी भी नहीं चाहिए कि जिससे वो प्रभावित हों और वो एक एंजाइटी और डिप्रेशन के स्टेज में जाएं। तो इसीलिए आज मॉडर्न इरा जो है, जो ये चल रहा है, जो आज का समय चल रहा है, यहाँ पे पेरेंट्स मोस्टली बच्चों को ऐसे एटमोसफेयर में रखते हैं जिससे बच्चे लर्निंग चीज़ें सीखें, यानी कि एक लर्निंग न्यू चीज़ें, वो ऐसी चीज़ें सीखें जो थोड़ी सी क्रिएटिव हों। कभी भी जो भी पेरेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा, वो अपने बच्चों के साथ मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं, उनको डाइवर्ट करते हैं, ऐसी चीज़ों को नहीं देखने देते हैं जो उनके लिए हार्मफुल कंटेंट हो। बट मोस्टली मैंने ये भी देखा है कि बच्चे आजकल, जो हमारे बच्चे, मेरे खुद के बच्चे भी, उन्हें इतना इंटरेस्ट है कि वो टीवी देखते हैं, वो पूरा टाइम फ़ोन पर स्पेंड करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से दूर करने के लिए मैं भी अपने बच्चों को ध्यान पर बहुत ही ज़्यादा लेकर आई हूँ, और मेरे बच्चे भी मेडिटेशन करते हैं। जब भी मैं मोस्टली सेशन लेती हूँ बच्चों का, या फिर जब हमने पेरेंट्स के सेशन लेते हैं, तो हम उनको ये बात ज़रूर बोलते हैं कि आप अपने साथ अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए, छोटी मोटी, चाहे उनको आप किसी भी तरीके से, बट उनको थोड़ा सा ध्यान के प्रति जागरूक कीजिए। और आज तो ऐसा समय चल रहा है कि मोस्टली स्कूलों में भी मैंने देखा है, जितने भी स्कूल्स हैं, वो भी ध्यान का, योगा का ऐसा सेशन ज़रूर बच्चों को दे रहे हैं। और अगर आप इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में तो पहले तो इतना नहीं था एडवांस टाइम, क्योंकि कहते हैं ना कि सोशल, हम जब तक अपने आप को आगे तक चेंज करते हैं, तब तक बहुत कुछ बदल जाता है। इंडिया में अब क्लासेस हो रही हैं मेडिटेशन की, स्कूलों में अब थोड़ा सा ध्यान को लाया जा रहा है, या फिर कुछ उसको इम्पोर्टेंस मिल रही है। लेकिन अगर हम विदेशों की बात करें, तो विदेशों में स्कूलों में और प्राइवेट सेक्टर्स में ध्यान के बकायदा सेशन दिए जाते हैं। उनको एक ब्रेक स्पेशली मिलता है कि जब उनको बोला जाता है कि थोड़ा सा अब आपको मेंटली रिलैक्स होना है, और आप देखेंगे कि कितना उनके अंदर इम्प्रूवमेंट मिलती है। जब बच्चे, या फिर जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जब उनको 5 या 10 मिनट का सेशन कराया जाता है ध्यान का, ड्यूरिंग जो स्कूल्स आवर्स होते हैं उसमें, और जो प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉई होते हैं, जब उनको ध्यान का सेशन दिया जाता है, तो वो कितना रिलैक्स फील करते हैं, और वो अपने काम में और ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब विदेश में ये सारी जो हमारे जो कार्य हैं, जो चल रहे हैं, जो इतना प्रसिद्धि हासिल कर रहे हैं, होलिस्टिक हेल्थ को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इंडिया में क्यों नहीं? तो आप सभी जानते हैं कि मैं भी मेडिटेशन, होलिस्टिक हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी की लाइन से हूँ, तो मुझे जो भी कंटेंट अच्छा लगता है, जो भी कार्य मुझे प्रभावित करता है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ उस काम को अपने YouTube फैमिली के साथ मैं ज़रूर शेयर करती हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरी ये स्टोरी है, आप सभी को ज़रूर अट्रैक्ट करेगी, कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी का सपोर्ट मुझे मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं उन सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को शुरू करने से पहले, कि इस स्टोरी को एक बार ज़रूर अपने बच्चे को आप अपने ही तरीके से इंटरप्रिटेट करके आप ज़रूर सुनाइएगा या फिर समझाइएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम पे मैं जितना बच्चों को मेंटली डिस्टर्ब देख रही हूँ, उतना हमारे टाइम पे नहीं होता था। यानी कि जब हम, जिस समय पे हम पैदा हुए हैं, उस समय पे इतना सब डिस्टर्बेंस में नहीं देखती थी, हम लोग बहुत रिलैक्स रहते थे, चाहे कितना भी हमारे ऊपर प्रेशर होता था काम का। अब तो डिजिटली हम सारे काम हमें आसानी से मिल जाते हैं। पहले हम हर कार्य को करने के लिए बहुत मेहनत करते थे। किसी भी कंटेंट के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए, तो उसको हम खुद से मैनुअली सर्च करते थे, या फिर उन कंटेंट को ढूंढते थे। अब तो हम एक क्लिक करते हैं, हमारे सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं। तो ज़्यादा आप सभी का समय मैं नहीं लूँगी, और शुरू करती हूँ कि कौन था ये भक्त जो ध्रुव के नाम से प्रसिद्ध है, कौन था ये भक्त जिसकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान विष्णु को स्वयं धरती पर आना पड़ा। ऐसी कैसी भक्ति करी थी इस भक्त ने, इस 5 साल के बच्चे ने, जो आज के टाइम पे हम नहीं कर पा रहे हैं। आज के टाइम पे जो हम अपने समय के साथ नहीं एक काट छाँट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं होता अपने लिए निकालने के लिए।
मोस्टली समय हम अपना ऐसे ही, क्योंकि हमें काम करना है, हमें अर्न करना है, हमें अपने आप को सर्वाइव करना है, अपने बच्चों को देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है, हम उसी रोज़मर्रा के कार्य में लगे हुए हैं। तो इस बच्चे ने ऐसा क्या किया था कि भगवान विष्णु को इसने धरती पर लेकर लेकर आ गया था, तो ज़रूर इस भक्ति से आप प्रभावित होंगे जितना मैं प्रभावित हुई थी। तो शुरू करते हैं स्टोरी को। राजा उत्तानपाद की दो रानियां थी। सबसे पहली रानी का नाम था सुनीति, दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। सुनीति बड़े नंबर की रानी थी और सुरुचि छोटी थी। रानी सुनीति से राजा ध्रुव का जन्म हुआ था, यानी कि बालक ध्रुव का जन्म हुआ था, और सुरुचि से बालक उत्तम का जन्म हुआ था। रानी सुरुचि रानी सुनीति के अकॉर्डिंग काफ़ी सुंदर थी, तो राजा का इंटरेस्ट उनके ऊपर ज़्यादा रहता था और वो मोस्टली अपना समय बेटे उत्तम और रानी सुरुचि के साथ स्पेंड करते थे। लेकिन इसी के ईर्ष्या भाव में आकर रानी सुनीति अपने बालक ध्रुव के साथ राजा से अलग किसी और स्थान पर रहती थी। लेकिन आपको तो पता ही है कि बच्चे का एक स्वभाव होता है कि वो अपने पिता के साथ खेलना चाहता है, बातें करना चाहता है। तो बालक ध्रुव 5 साल के थे। एक दिन वो अपने पिता के साथ गोद में बैठकर खेल रहे थे, जिसे देखकर रानी सुरुचि को बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत वहाँ पे गई और बालक ध्रुव को उन्होंने अपने पिता की गोद से उतारकर नीचे रख दिया और अपने बेटे उत्तम को राजा की गोद पर, यानी कि अपने पति की गोद पर बैठा दिया। और बालक ध्रुव को बहुत ही कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि बालक ध्रुव, तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने पिता की गोद में तभी बैठ सकते हो जब तुम्हें मेरी कोख से जन्म तुमने लिया हो। और इस राजा की गोद में, यानी कि राजा के सिंहासन में भी सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे उत्तम को बैठने का अधिकार है, तुम्हें नहीं। तो जाओ भगवान विष्णु की तपस्या करो और मेरी कोख से जन्म लो, फिर तुम्हें यहाँ का सिंहासन, यानी कि राजा का सिंहासन मिलेगा और अपने पिता की गोद प्राप्त होगी। बालक छोटा सा 5 साल का बच्चा था, उसको अपनी सौतेली माँ से सुने हुए जो ये शब्द थे बहुत ही आघात पहुंचा। इन सब बातों को सोचता हुआ बालक ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास गया। माँ सुनीति ने अपने बालक को परेशान देखकर बालक ध्रुव से उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा और उन्होंने बालक ध्रुव से पूछा कि बेटा बताओ तुम क्यों इतना परेशान हो। तभी बालक ध्रुव ने अपनी सारी परेशानी बताई और वो सारी घटना बताई जो भी उसके साथ हुआ। इतने अच्छे शब्दों में माँ सुनीति ने बालक ध्रुव को समझाया कि बेटा देखो, तुम तो पहले से ही जानते हो कि तुम्हारे पिता का जो झुकाव है वो रानी सुरुचि और उनके बेटे उत्तम की तरफ ज़्यादा है, तो तुम क्यों वैद्य की इन सब बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम सिर्फ और सिर्फ एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति आराधना करो और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो और देखो तुम्हें कैसे अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। माता सुनीति के वचनों से प्रभावित होकर बालक ध्रुव ने अपने घर को छोड़ा और उन्होंने जंगल की तरफ प्रस्थान किया। जब बालक ध्रुव जंगल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यमुना नदी के तट पर सप्तऋषि, यानी कि 7 ऋषि बैठकर ऑलरेडी वहां पर ध्यान तपस्या कर रहे थे। बालक ध्रुव ने अपना परिचय दिया, हे ऋषि मुनि, मैं राजा उत्तानपाद का बड़ा बेटा ध्रुव हूँ। मेरे साथ मेरी सुतैली माँ सुरुचि ने ऐसा व्यवहार किया और मेरे पिता की गोद से मुझे नीचे उतारकर मेरा तिरस्कार किया और मुझे ऐसे कटु शब्दों के साथ उन्होंने ऐसी ऐसी बात बोली जिससे मेरा मन बहुत ही आघात हुआ है और मैं भगवान विष्णु से मिलना चाहता हूँ, उनके साक्षात दर्शन करना चाहता हूँ। तो कृपया करके आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा कैसे, कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि मिले। सप्तऋषियों ने इस बच्चे के बात सुनकर बहुत ही, पहले तो एक आश्चर्यजनक उन्होंने सोचा कि एक छोटा सा बच्चा कैसे ये बात बोल रहा है। तो सप्तऋषियों ने कहा कि देखो बेटा, अभी तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम्हारे लिए ये ध्यान तपस्या का मार्ग नहीं बना है। तुम जाओ अपने घर में जाओ और अपनी माता के साथ अपना समय व्यतीत करो, इस जंगल में अपना समय व्यर्थ मत करो, जाओ अपने घर जाओ। लेकिन बालक बहुत ही हट्टी था, यानी कि जो ध्रुव था, जो बच्चा ध्रुव था, उसने बोला कि नहीं ऋषि मुनि, आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हो। जब ऋषि मुनियों ने देखा, सप्त ऋषियों ने देखा कि बच्चा नहीं मान रहा है और इस बच्चे के अंदर एक बहुत तेज है और वो तपस्या करना चाहता है, तो उन्होंने एक एक करके उनको, यानी कि बालक ध्रुव को बताया कि ऐसे ऐसे आपको काम करना चाहिए, इसके लिए तुम्हें इस मार्ग को चयन करना चाहिए। सप्तऋषियों के द्वारा बताए गए जो भी कार्य था, जो भी उन्होंने रास्ता बताया, बालक ध्रुव उन्हीं के अनुसार, उन सभी कार्यों के अनुसार यमुना नदी के तट पर एक पांव में खड़े होकर भगवान की भक्ति आराधना, यानी भगवान विष्णु की भक्ति आराधना करने लग गए।
भक्ति आराधना करते करते उनके अंदर से ऐसा तेज निकला कि नारद मुनि जब अवकाश मार्ग से वहां से गुजर रहे थे तो उनकी नजर बालक ध्रुव पर पड़ी। तो उन्होंने सोचा कि इस छोटे बालक में इतना तेज, ये कैसा है, देखने लायक है, और एक इतना छोटा बालक कैसे ध्यान तपस्या कर रहा है। तो नारद मुनि ने सोचा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए और वो उससे मिलने के लिए धरती पर आए। तो उन्होंने पूछा, हे बालक, तुम किस लिए इतनी भक्ति तपस्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो बालक ध्रुव ने बताया कि हे नारद मुनि, मुझे भगवान विष्णु के दर्शन की प्राप्ति है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मैं इसलिए यहाँ पर इस यमुना नदी के तट पर ध्यान कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। तो नारद मुनि तो बालक की परीक्षा ले रहे थे, तो उन्होंने उसको बोला, बालक ध्रुव को बोला कि ऐसे तुम्हें भगवान विष्णु दर्शन नहीं देंगे जैसे तुम तपस्या कर रहे हो। भगवान विष्णु के दर्शन की प्राप्ति के लिए ये सब व्यर्थ है। तो बालक ध्रुव ने बोला, हे नारद मुनि, आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या कार्य करूं जिससे कि मुझे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि मिले, उनका दर्शन मुझे मिले, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। नारद मुनि ने बोला कि सबसे पहले तुम्हें भोजन और पानी का त्याग करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हें अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ेगा। तो बालक ने बोला, ठीक है, अगर मैं अन्न और जल दोनों का त्याग करूंगा तो उसके बाद तो मुझे भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि मैं उनका दर्शन मुझे मिलेगा ना। तो नारद मुनि ने बोला कि नहीं नहीं, उसके बाद भी तुम्हें भगवान विष्णु के दर्शन नहीं मिलेंगे। फिर बालक ध्रुव ने बोला, और क्या करना चाहिए कि जिससे मुझे भगवान विष्णु के दर्शन होंगे? तो भगवान यानी कि नारद मुनि ने बोला कि जिस पेड़ के नीचे तुम तपस्या कर रहे हो, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद तुम्हें भगवान विष्णु के दर्शन होंगे। फिर भी बालक ध्रुव ने बोला कि ठीक है, मैं तब तक तपस्या करूंगा और उसके बाद तो मुझे भगवान विष्णु की प्राप्ति यानी कि उनके दर्शन मिलेंगे ना। नारद मुनि ने सोचा कि यार, ये बच्चा तो बिल्कुल नहीं मान रहा, हार ही नहीं मान रहा, मैंने तो इसको इतनी बड़ी बड़ी बात बोली, ये हर बात स्वीकार कर रहा है। तो उसकी इस हट्टता को देखकर नारद मुनि की जो एक कहते ना कि उन्होंने बोला कि हे बालक ध्रुव, मैं तुमसे भी बहुत प्रभावित हुआ हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसका उच्चारण करने से तुम्हें भगवान विष्णु की जो दर्शन है वो ज़रूर मिलेंगे। नारद मुनि ने बालक ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का दीक्षा दिया। उस मंत्र की दीक्षा से बालक ध्रुव जब उस मंत्र को उच्चारण करते थे तब पूरे तीनों लोकों में ऐसा तेज होने लगा कि वरुण, सूर्य और इंद्र तीनों देवता बड़े ही प्रभावित होने लगे और उनको डर लगने लगा कि ये बच्चा, छोटा सा बच्चा, भगवान विष्णु का जो मंत्र, जिस मंत्र का वो उच्चारण कर रहा है, पूरे तीनों लोकों में उसकी गूंज गूंज रही है। और भगवान विष्णु उस समय योग मुद्रा में बैठे हुए थे और उनको भी उस गूंज का एक आभास हुआ। तीनों देवताओं ने भी अलग अलग अपना भरसक प्रयास किया बालक ध्रुव की तपस्या को तोड़ने के लिए। उन्होंने काफ़ी अनेकों प्रयास करे लेकिन बालक ध्रुव ने अपनी आँखों को नहीं खोला। और जब थक हार कर तीनों देवताएं भगवान विष्णु के पास गए, दौड़े दौड़े गए कि हे प्रभु, एक बालक आपका काफ़ी समय से उच्चारण कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपकी तपस्या कर रहा है, हमें इस बालक से बड़ा डर लग रहा है कि कहीं ये हमारे तीनों लोकों में अपना राज ना कर ले। भगवान विष्णु ने बोला कि नहीं नहीं देवतागणों, आप अपने अपने सिंहासन पर जाकर विराजित होइए, ये बालक सिर्फ मेरा ध्यान तपस्या कर रहा है और जल्द ही मैं इसको अपने दर्शन देकर इसकी कृपा दृष्टि यानी कि इसको वही भक्ति जो इसको चाहिए वो मैं दूंगा, जो भी है। तो बालक ध्रुव की जो मंत्रों का उच्चारण था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, उसकी गूंज से तीनों लोक प्रभावित हुए। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को अपनी योग मुद्रा भी छोड़नी पड़ी और वो समय आखिरकार आ ही गया जब भगवान विष्णु को धरती पर स्वयं आना पड़ा। इस मंत्र की गूंज से भगवान विष्णु इतने प्रभावित हुए कि उनको नीचे धरती पर उतर कर आना ही पड़ा। और जब वो धरती पर उतर कर आए तो उन्होंने बालक ध्रुव से बोला कि हे वत्स, खोलो अपनी आँखें और मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति आराधना तपस्या से बहुत प्रभावित हुआ हूँ और मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि आज तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। भगवान
विष्णु के ये शब्द जब बालक ध्रुव ने सुने और उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि भगवान साक्षात विष्णु अपने स्वरूप में उसके सामने खड़े हैं, तो उस बालक ने उनकी उनको नमस्कार किया। नमस्कार के साथ साथ उसने बोला कि हे भगवान, मैं आज आपके दर्शन पाकर बड़ा ही कृतार्थ हुआ। मेरी आपसे सिर्फ यही इच्छा है कि जो स्थान अभी तक किसी को नहीं मिला हो, मुझे उस स्थान की प्राप्ति चाहिए। और भगवान विष्णु ने बोला कि मैं तुमसे पुनर्जन्म में भी प्रभावित हुआ था, जब पुनर्जन्म में तुम एक ब्राह्मण के रूप में थे और ब्राह्मण के रूप में जब तुमने मेरी भक्ति आराधना करी थी और तुम्हें एक राजा के वंश में जन्म चाहिए था, तो इस युग में तुम एक राजा के वंश से ही जन्मे हो और तुम एक राजा के बेटे हो और तुम्हारी माँ के जो शब्द हैं जिससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्त हुई, मैं तुम्हें वो जो भी तुम चाहते हो वो तुम्हें ज़रूर दूंगा। भगवान विष्णु ने बालक ध्रुव को वरदान दिया कि 36 वर्षों तक तुम्हारा गुणगान होगा। ऐसे लोक में बालक ध्रुव को उन्होंने स्थान दिया जिस लोक को उत्तर दिशा के नाम से जाना जाता है, और वो दिशा जहाँ पर सभी जो कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी जब होती है, जो हमारे सूर्यमंडल, पृथ्वी मंडल और जो भी जितने भी हमारे ग्रह हैं वो उस लोक के आजू बाजू घूमते रहते हैं, तो वो लोक था उत्तर दिशा। तो वैकुंठ धाम पर विष्णु जी ने बोला कि तुम्हारा स्थान वैकुंठ धाम पर उत्तर दिशा में है और तुम आने वाले समय में ध्रुव तारा के नाम से जाने जाओगे, और तुम्हारे अंदर से जो तेज निकलेगा, अगर यदि कोई मनुष्य तुम्हें सुबह और शाम तुम्हारी आराधना करेगा तो उसको मनवांछित वर जरूर मिलेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि ध्रुव तारा जब चमकता है तो सभी दिशाओं को प्रभावित करता है, तो ऐसा ही वरदान भगवान विष्णु से बालक ध्रुव को प्राप्त हुआ। और भगवान विष्णु ने ये भी बोला कि तुम वैकुंठ लोक में माँ अपनी सुनीति के साथ वहाँ पर विराजित रहोगे और तुम्हारा अपना ही लोक वहाँ पर होगा। और तो कहते ना कि भगवान की ऐसी भक्ति करो कि भगवान स्वयं धरती पर आ जाए, या फिर वो तुम्हारी भक्ति से इतने प्रभावित हो जाए कि जो तुम मांगो वो तुम्हें मिल जाए। जब सतयुग में ऐसा हो सकता था तो कलयुग में भी ऐसा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है। तो बालक ध्रुव की इस कहानी से यही एक शिक्षा मिलती है कि जितना तेज इस बालक में था, जितनी स्थिरता के साथ इस बालक ने अपनी भक्ति करी थी, उतनी ही स्थिरता के साथ हमें भी आज के युग में अपने काम को करना चाहिए। तभी तो कहते हैं ना कि अगर हर कार्य को एक गोल के साथ, एक सही मार्गदर्शन के साथ किया जाता है तो वो ज़रूर सफल होता है। जब एक छोटा बच्चा 5 साल का ये काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूर इस कहानी को आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा, उनको बताइएगा कि कैसे बालक ध्रुव तारा के नाम से व्याख्यात हुए, उनको इतनी प्रसिद्धि मिली कि जिस लोक में सारे सौर मंडल प्रभावित होते हैं, उनके आसपास घूमते हैं, वही लोक उनको प्राप्त हुआ, वो वैकुंठ धाम उनको मिला, जहाँ पे भगवान विष्णु ने भी अपनी उनको पृथ्वी पे आकर दर्शन दिए। और एक बात मैं ये बताना चाहूँगी कि भगवान विष्णु ने बालक ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया जब वो धरती पर आए और उनके साथ उन्होंने बातें करी, उनको बोला कि बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से सच में बहुत प्रभावित हुआ। तो इस स्टोरी से मेरे कहने का यही तात्पर्य था, यही एक मीनिंग था, एक मतलब था कि आज के इस समय में मोस्टली मैं बच्चों को देख रही हूँ, वो अपना समय मोबाइल फ़ोन में और टीवी में ज़्यादा स्पेंड करते हैं। ऐसी स्पिरिचुअल कहानियाँ, ऐसे जो काम होते हैं जो हम सभी करते हैं, वो उनको अच्छे नहीं लगते हैं। तो ज़रूर थोड़ा बहुत हमें अपना डायरेक्शन, अपने काम का जो तरीका है, हम जैसे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा। स्पिरिचुअली हमें अपने बच्चों को ज़रूर उस काबिल बनाना पड़ेगा कि जब आने वाले समय में उनसे पूछा जाए कि कौन थे शिव जी, कौन थे विष्णु, तो कम से कम उन्हें पता तो हो कि ये थे जो जिन्होंने सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने ये कार्य किया। तो देखिए, जब सतयुग में उनकी कहानियाँ, उनके जो भी काम थे वो इतने प्रचलित थे, आज भी जिनका लिखित है, प्रमाण है, आप सर्च कर सकते हैं कि कौन था बालक ध्रुव, कौन था ये ध्रुव तारा जिसको आज भी जाना जाता है, आज भी माना जाता है। तो तभी, जब तक हम अपने बच्चों को बताएंगे नहीं, उन्हें पता कैसे चलेगा। तो थोड़ा बहुत ज़रूर अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए। और अगर ये स्टोरी आप सभी को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।